So, आज बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, उन सारी चीजों की जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन सी के टाइप से। मार्केट में अवेलेबल विटामिन सी सिर्फ दो प्रकार के आते हैं। सबसे पहला है स्टेबलाइज्ड फॉर्म और दूसरा है नॉन स्टेबलाइज्ड फॉर्म। स्टेबलाइज्ड फॉर्म आपको थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा और जो नॉन स्टेबलाइज्ड फॉर्म से वो थोड़े सस्ते मिलेंगे। स्टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ विटामिन सी आपको नॉन एम्बर कलर्ड बॉटल में या फिर फ्रॉस्टेड बॉटल में दिख सकते हैं, लेकिन जो नॉन स्टेबलाइज्ड विटामिन सी है वो आपको एम्बर कलर बॉटल में ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज स्टेबलाइज्ड विटामिन सी ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्टेड रहता है एंड नॉन स्टेबलाइज्ड विटामिन सी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है सनलाइट की वजह से। दूसरी चीज़ है इनके कॉन्सेंट्रेशन। यूजली ये 5, 10, 15, 20 एंड 25% कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं, तो नए लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करें, वो भी टेस्ट पैक्स के बाद में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विटामिन सी को हमेशा आपको सुबह लगाना चाहिए, बिकॉज विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी पोल्यूशन एजेंट है। लेकिन अगर आपकी रूटीन में कोई रेटिनॉल या फिर कोई नाइट सीरम नहीं है तो आप इसे रात में भी यूज कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन सी को आपको इन सारे इंग्रीडियंट्स के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। सबसे पहला है रेटिनॉल, दूसरा है सैलिसिलिक एसिड, तीसरा है मैंडेलिक एसिड, चौथा है ग्लाइकोलिक एसिड, बिकॉज ये विटामिन सी के साथ मिलके बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली एक्सफोलिएशन या फिर एडवर्स रिएक्शंस आपकी स्किन पे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।